And during Modi ji's time, all major highway, roads, bridges, all 4G networks, water supply, electricity, all basic amenities are being provided in the border area. Good afternoon, Arunachal. This is Techi Rana, independent candidate for 1 Arunachal West parliamentary constituency for member of parliament. Team Techi Rana jo hai Nafra ki or proceed kar rahe hain. So right now yahan se Nafra mushkil se 5-7 kilometer kuch reh gaya hai. But then yahan pahunchne ke liye hum logo ko bahut khatnayon ka samna karna pada. You see the condition of the road. यहाँ अरुणाचल में बहुत लोग बोलते हैं कि कोई बच्चा को आके एमपी कंटेस्ट क्यों करना चाहिए. आप बताइए, यूनियन होम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर एंड सिटिंग एमपी फॉर अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट, 15 इयर्स ऑफ सर्विस, 15 इयर्स ऑफ लव एंड सपोर्ट अरुणाचल के लोग उसने दिया है. तो आप उनका देखिए कि उनका अपना जो बस्ती है, उनका टाउन है नाफरा, उसका रोड कंडीशन कैसा है. तो लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो आप लोग देख लीजिए यहाँ में एक्सपीरियंस का ग्राउंड रियलिटी क्या है. किसी ने सही कहा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और. तो ये यही है द ग्राउंड रियलिटी. यहाँ में गाड़ी में बोनेट में लग लग के हमारा बोनेट निकालने वाला है, बट स्टिल हम लोगों का हिम्मत है. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैंपेनिंग का जो राइट है वो हर एक इंडिविजुअल को है. तो हम चाहते थे कि नाफरा भी पहुंचे और वहाँ के लोगों से बातें करें. सकने से कोशिश करेंगे कि रिजिजू साहब के घर तक भी पहुंच के वहाँ भी कैंपेनिंग चलाएंगे, बातें करेंगे उन घर के लोगों से. लेकिन सच में हमें एक्सपेक्टेशन ये था कि रोड कंडीशंस बहुत अच्छा होगा, कनेक्टिविटी फुल ऑन होगा, यहाँ का हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर टॉप नॉच होगा. ये पूरा अरुणाचल के लिए एक एग्जांपल सेट करेंगे, उस तरह का एक्सपेक्टेशन रखा था. बहुत दिन यहाँ देखने में हमारा बुरा हाल हो गया हिल हिल के. ये रोड आप देख रहे हो, हालांकि यहाँ का जो गांव है, बस्ती है, यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है. 15 साल की जो सर्विस एक एमपी के तौर पर अपने बस्ती में एक सही ढंग का एक रास्ता नहीं दे पाया, इसका बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा रिजिजू सर को. एंड व्हाट ए वेस्ट एंड द पीपल ऑफ नाफरा स्पेशली, आप लोग जो है एक इतना सम्मान करके, रिस्पेक्ट करके, प्यार करके आपका अपना बेटा को यहाँ से बेचा है. वहाँ में सेंटर में 15 साल से उधर बैठा हुआ है. आप लोगों के साथ तो धोखा हुआ है ना सरासर. 15 साल के जो कंटिन्यू सर्विस में एक रास्ता से ढंग कर नहीं दे पाया. तो टीम तेजी राणा नाफरा पहुंचने के बाद में आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी वहाँ से रिपोर्ट करेंगे कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है. एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत अंतर होता है, इसलिए ये जो एक्सपीरियंस का जो आप लोग बात करते हैं इसी का अगेंस्ट मैं खड़ा हूँ. क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, जिनको तजुर्बा है, जिनको प्यार दिया, जिनको मौका दिया, उन लोगों ने अरुणाचल में बस पॉलिटिक्स करके बस अपना पेट पाला है. नाफरा के लोग जो यहाँ डेली स्ट्रगल करते हैं, टू एंड फ्रो करते हैं, यहाँ से कम्यूट करते हैं इस रास्ते से, तो यहाँ से यदि कोई इमरजेंसी बीमार हो गया तो निकालने के लिए भी यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा. धूल मिट्टी और तो ये रास्ता देख रहे हो, उबर खबर से भरा हुआ है, पोर्ट होल्स दुनिया भर का है. और यहाँ का जो रास्ता का विड है, बस मुश्किल से एक गाड़ी निकालने का है, उसमें भी बहुत सारा धूल मिट्टी है. इसी बाइक में अगर टू व्हीलर में यहाँ से जाए तो अस्थमा होकर मर जाए. तो ये है कंडीशन नाफरा का कनेक्टिविटी रोड का. एटलीस्ट जब इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है बोला है, तो कम से कम सिटिंग जो एमपी है, जो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका गांव का लोगों को तो इतना तो डिजर्व करता है कि एक अच्छा रोड मिले उनको, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिले. सो जितने लोग भी जो कहते हैं उम्र और एक्सपीरियंस,
लोगों को मैं ग्राउंड रियलिटी से बता रहा हूँ कि ये है कंडीशन नाफरा का है। ये देखो दो गाड़ी क्रॉस करने में ऑलमोस्ट टक्कर लगने को है एक दूसरे को। आप वहाँ देख लीजिए वो कैसे क्रॉस कर रहे हैं। सो दिस इज नाफरा, वे टू नाफरा। थैंक यू किरण रिजिजू सर, आपने पूरा अरुणाचल को ही नहीं बल्कि नाफरा के जो इनोसेंट जो लविंग पीपल है आप इन लोगों के साथ भी 15 साल से धोखा दिया। थैंक यू सो मच। पहुँच के दिखाएंगे आपको कि नाफरा का एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ये तो बस एक छोटा सा झलक था आपका रोड कंडीशन को लेके। स्टे ट्यून्ड टीम तेची राणा इज ऑलमोस्ट रीचिंग ग्राउंड जीरो।